मैथ पर हो सकते हैं विथ नोट्स के ताकि आपको आगे भी दिक्कत ना हो अपने नोट्स बनाने में ठीक है किसी भी किसे भी किसी की को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है और सबसे पहले अगर कमेंट की बात की जाए तो कल की एक कमेंट सबसे थोड़ी अट्रैक्टिव लगी है अपने जो डोंगरे जी हैं तो उनसे कहना चाहेंगे दिलखुश जी कि आपको आज वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो नया मंत्रालय जो बना है अभी हाल में जो राज्यसभा का सदन होता है उसमें जो नेता होता है जैसे अपने जो पीयूष सभी लोग जानते नॉर्मल सी बात है तो इसी प्रकार से जितने भी मंत्रालय है उन मंत्रालयों में जो जो व्यक्ति जिसको मंत्रालय मिला है जब भी क्वेश्चन हमने आपसे पहले कहा था बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं इतने ओरिएंटेड नहीं बनते हैं लेकिन कौन सा मंत्रालय किसके पास है ये हमें पता होना चाहिए तो परेशान मत होइएगा इसकी सबने जो किया कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसकी प्रॉपर तरीके से पीडीएफ और प्रॉपर तरीके से कौन सा मंत्रालय कैसे दिया गया उसके बारे में अच्छी ढंग से डिटेल देखे आपको वो मंत्रालय के बारे में बता देंगे क्योंकि आने वाले जो आपके तीन एग्जाम जो बिल्कुल हम लोगों को सामने दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले SSC CGL का SSC CHSL का सीपीओ तीन के 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 तीनों 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 एग्जाम जो आपके अगस्त में स्टार्ट होने वाले हैं तो ऊपर तीनों के तीनों के फोकस था और तीन एग्जाम आने से पहले जनवरी के हंड्रेड क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं लेकिन जनवरी के हंड्रेड क्वेश्चन की पीडीएफ भी दे चुके हैं लेकिन वो क्वेश्चन सुबह वाले सेशन में हुए हैं एक दिन अभी दो या तीन दिन में आप सर ब्राइट दिखाई दे रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं जैसे भी है चलने दो सेशन अच्छा चलना चाहिए जैसे हम देख रहे कोई फर्क नहीं पड़ता तो जो आपका करंट अफेयर क्लासेस होंगी आपकी आने वाली तो जो हंड्रेड क्वेश्चन आपके करवा चुके हैं जनवरी के वो जनवरी के एक बार दोबारा से करवाने पड़ेंगे क्योंकि ये हंड्रेड जो क्वेश्चन सीरीज बेकार हो जाएगी क्योंकि ये सीरीज हम आपको सुबह करवा चुके हैं लेकिन सुबह इवेंट कुछ और टॉप हंड्रेड क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं तो जो क्वेश्चन होंगे एक बार और हम आपको कर, वो करवा देंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक जून जून तक और जुलाई ये क्वेश्चन आपके पास है तो हर जो आपका क्योंकि कितने क्वेश्चंस याद कर सकते हो तो मेरे अकॉर्डिंग हम पे विश्वास करके आप टॉप हंड्रेड टॉप हंड्रेड क्वेश्चंस करके वन लाइनर तौर पर रिवाइज कर लेना मेरे साथ और इसी के साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होगी उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे सर आप अच्छा

आप भी सेशन को शेयर कर दो ठीक है अच्छा लगता रहे सेशन को तो लाइक आप लोग जरूर करिएगा बट शेयर एक बार सभी लोग जरूर करें ठीक है चलिए भाई तो चलते हैं आज है, के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की तरफ कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन सकते हैं तो सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और पहले क्वेश्चन से जाने से पहले आज का मोटिवेशन जो आपका हमेशा रहता है बस आपको अपने पंखों पर विश्वास करना होता है और कुछ नहीं होता क्योंकि कल मेरे पास दो लोगों के मैसेज आए और दोनों लोगों को बनना है यूपीएससी क्वालिफाई क्वालिफाई करना है तो पता है यूपीएससी क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी आपकी मजबूती क्या है कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हो आप आप ऐसे शहर से बिलोंग करते हो आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो आप ऐसी राज से बिलोंग करते हो जिसको गरीब कहा जाता है हम लोग क्या हैं? ये तो कहा जाता है भाई साहब गरीब है तो फायदा कब उठाओगे आज ही अभी वो वक्त है कुछ करने का क्योंकि जो कल पे छोड़ दिया कोई फर्क नहीं पड़ता बस जो टाइम है वो आज का है समझ रहे हो ना हम आपसे टॉप टेन क्वेश्चंस लेके आते थे टेप टॉप टेन क्वेश्चन की जगह पे कुछ वन लाइन क्वेश्चन रह जाते हैं उनको भी उठा के पकड़ ले आते हैं ताकि आपके क्वेश्चन करंट अफेयर के छूटे ना चाहे क्वेश्चन एक दो दिन पुराने हमने आपसे कहा था हम तीन दिन तक की करंट अफेयर कवर करेंगे बाय चांस कोई क्वेश्चन छूट जाता है कोई दिक्कत हो जाती है तो हम क्वेश्चन आपके लिए ले आएंगे, लाते तो डेली टॉप टेन है तो आपको भी बर्डर नहीं होता लेकिन आप लोग इतनी ऐसी लत बना लो आपने देखा होगा जो अल्कोहलिक होते हैं अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है जो शराब पीते हैं देखा होगा ना आपने तो बंदे को कुछ भी हो जाए घर में खाने के लिए नहीं है तो लेकिन बंदा रात में पीएगा जरूर तो वही आदत आपको डाल ली है दारू पीने की नहीं पढ़ने की और पढ़ाई पढ़ाई देखो सी सी से बात आज खुलकर आपसे कह दे रहे हैं लोग कहते हैं सिर्फ पढ़ो बच्चा पैदा हुआ भाई पढ़ भाई पढ़ थोड़ा सा भी वो खेला भाई पढ़ वो नहीं वो क्यों पढ़े जब तक उस बच्चे को यह पता नहीं चलेगा कि वो दुनिया में आया ही क्यों है बात समझ में आ रही है जब तक बच्चे को पता चलेगा नहीं कि भाई तू तो दुनिया में आया क्यों है जिस वक्त उसको यह पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता है यूपीएससी नाम की भी कोई चीज होती है वर्दी नाम की कोई चीज होती है और यूपीएससी नाम की इतनी बड़ी चीज होती है जब भी वो बंदा निकलता है तब सलूट लोगों को दुनिया को करना ही पड़ता है इतनी शिद्दत होती है उसमें समझ रहे हो ना तो इस मोटिव तक पहुंचने के लिए उस बच्चे को पढ़ना नहीं जरूरी है उसको दिखाना जरूरी है ठीक है भूपेन जी कहते हैं गुरु जी छह मिनट निकल गए हैं कराओ अब अच्छा मतलब हद है यार चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने सेशन पे मोस्ट इंपोर्टेंट है मोटिवेट जो भी आपका था वो हम आपको कर चुके हैं क्योंकि ज्यादा मोटिवेट के चक्कर में रहा मत करो मोटिवेट जितनी देर में करोगे उतनी देर में बहुत कुछ हो जाएगा लेकिन भूपेन्द्र जी कभी कभार तो यार कर लेने दिया करो है ना चलिए चलते हैं सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे हाल में विवादित संगम साहित्य में उल्लेखित कोंगू नाडु क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है अभी हाल में एक विवादित क्षेत्र नजर आया है किसी राज्य से कर्नाटक से तेलंगाना से महाराष्ट्र या तमिलनाडु से कोई ऐसा राज्य है जहां पर क्या हुआ है इन किसी भी एक राज्य में हुआ क्या है जो एरिया है विवादित एरिया रहा है आप जानते हो जब भी दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है खेती के लिए ऐसा हुआ कहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तो जैया जब उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा विवादित क्षेत्रों को निपटारा करने के लिए कौन से विकास कौन से मिशन का शुभारंभ किया गया जो भारत का सबसे बड़ा मिशन बना अगला क्वेश्चन इसी की तर्ज पर पंजाब सरकार ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया था इसी प्रकार से पंजाब की सरकार ने लड़ाइया रोकने के लिए विवाद रोकने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था तो मेरे भाइयों सारे के सारे याद रखना अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था और पंजाब ने तो पंजाब का सबसे पहले आपको याद रखना है लाल लकीर मिशन कौन सा लाल लकीर मिशन हमने आपको ये मिशन नोट भी करवाया था इमेज के माध्यम से भी बताया था अगर आपको याद होगा जुग्गी झोपड़ियां पड़ी थी और लाल लकीर थी उस पर तो लाल लकीर मिशन का शुभारंभ पंजाब के द्वारा किया गया था इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश ने विरासत या वारसात मिशन का शुभारंभ किया था विरासत या फिर विरासत या फिर वारशात विरासत या फिर वारसात मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश ने किया था और पंजाब के द्वारा लाल लकीर मिशन का शुभारंभ किया गया था उसी प्रकार से एक और विवादित जो एक, एक और विवादित एक आपका संगम साहित्य में उल्लेखित अगर साहित्य की बात करते हैं पुराने जमाने की अगर हम लोग बात करते हैं तो संगम साहित्य हुआ करता था और इसी साहित्य के अकॉर्डिंग बहुत सारी जनजातियां भी थी तो कौन सी जनजाति थी जिसकी वजह से यह विवादित क्षेत्र बना हुआ है तो सबसे पहले जो मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर होगा वो तमिलनाडु एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का तमिलनाडु में कोंगुनाडु जो एरिया है वो अभी हाल में विवादित एरिया चल रहा है सर ये एरिया विवादित क्यों चल रहा है देखो अभी हमने आपको मोटिवेशन में एक बात कही थी मोटिवेशन से एक बात कही थी भूपेन्द्र सर जी जल्दी जल्दी आगे निकलो जल्दी जल्दी आगे निकलो तो मेरे भाई हमने आप से एक बात कही थी जो मिनिस्ट्री के जिनको मंत्रालय सौंपे गए हैं तो मंत्रालय जो सौंपे गए हैं वो इन्हीं मंत्रालयों में जो छोटे मंत्रालय होते हैं ना जो छोटे छोटे मंत्रालय छोटे छोटे राज्य में दिए जाते हैं जिनको मंत्रालय जैसे आपके जो आयुष मंत्रालय किसी के पास था लेकिन स्टेट रेंट का सॉरी अर्जुन मुंडा क्या थे अभी हाल में अपने अर्जुन मर्ना जनजाति मंत्रालय उनके पास था लेकिन स्टेट मिनिस्ट्री किसके पास थी रेणुका सिंह के पास में इसी प्रकार से छोटे छोटे -छोड़ राज्य में में अलग अलग छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं तो इसी तमिलनाडु जो एरिया एरिया है ना ही ये एरिया कोई लिखित एरिया है ना ही किसी भी प्रकार का ये कोई जिला है ना ही इसका कोई अस्तित्व है अस्तित्व कब पता चलता है जब इसका पिनकोड होता है जिस प्रकार से अपना पिनकोड कोई ग्यारह कुछ भी हो सकता है अठारह 844 84, जो भी हो सकता है 2097 से करके कुछ भी हो सकता है जो अपना यहाँ का यूपी उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों के जो 6 6 नंबर की पिन कोड होते हैं तो इस पिन कोड ना ही इसका कोई पिन कोड है तो लोगों ने यह कहा है कि भाई जब यस का कोई अस्तित्व तो नहीं है तो यहां पर मिनिस्टर बनाया तो बनाया कैसे गया सीधी इस बात जब इसका कोई महत्व ही नहीं है तो इसमें अलग किसी को महत्व दिया कैसे गया और पूरे मैप की बात करते हैं तो कोंगु नायडू मैप आपके साथ सामने है इस एरिया में इस एरिया में इसको उल्लेखित किया गया है बाकी एरिया आपके सामने जो रजिस्टर्ड थंडाई थन्दाई नायडू की बात की जाए नाडू नाडू की बात की जाए छोला नायडू की बात की जाए पांड्या नायडू की हम लोग बात करते हैं तो इन सभी चार के चारों एरिया तो लिखित थी लेकिन एरिया थी, वो लिखे पर नहीं थी तो इसी क्षेत्र में क्या हुआ है ये अभी हाल में चर्चा में था और विवादित एरिया रहा है इसीलिए ये विवादित एरिया रहा है अब जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं एक बार उनको लिखो अब महत्वपूर्ण सर क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं याद रखना जो महत्वपूर्ण सिर्फ वही बात लिखना पूरा छापना मत ना छाप दो क्योंकि जो बता चुके हैं वही लिखा है मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान अभी बताया था मंत्रिमंडल विस्तार हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान म, नए मंत्रियों के नाम की सूची जारी की गई ठीक है सर जी और जारी जब की गई तो यह नाम ओबीसी समुदाय कोंगू वेलाडार गॉर्डर ये बात लिख लो जो ये ये जो नया नाम लिया गया है कोंगू नायडू का तो कोंगू नायडू जो है वो एक ओबीसी समुदाय है ओबीसी का मतलब सभी लोग जानते हो ना अपने कास्ट के अकॉर्डिंग तो ओबीसी समुदाय के कोंगु गोर्डर से लिया गया है बस ये बात लिख लो ये लिया किससे गया है और किस क्षेत्र में संगम साहित्य से संबंधित है किससे संगम साहित्य से संबंधित है ठीक है सर जी दिलखुश जी आपकी बात हम पहले कह चुके हैं कि आपको लिस्ट चाहिए पूरा डिक्लेरेशन देक्ले, चाहिए तो हम आपको हर छोटे छोटे मंत्री के बारे में बता देंगे थोड़ा टाइम दे दो बस ठीक है तो अगला क्वेश्चन लिखना जिसकी इस इन जिलों में कोई महत्वपूर्ण अनुपस्थिति है इन जिलों में महत्वपूर्ण अनुपस्थित मतलब उपस्थिति है किसकी उपस्थिति है कोंगो वेलाडार गैडर की लेकिन भाई इसकी उपस्थिति इसी जिले में है किस जिले किस क्षेत्र में है? तो कोंगो नाइडी क्षेत्र में ये कोई जिला नहीं है इस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं इनसे ये नाम ये लिया गया है कोंगोनाडु का तमिलनाडु में आने वाले मंत्रियों के नाम के साथ जिले के स्थान पर कोंगुनाडू नाम दिया गया ठीक है जो कि स्वयं में एक जिला ही नहीं है जो कि स्वयं एक जिला ही नहीं है ठीक है ऐसे में सरकार पर तमिलनाडु में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने और राज्य को दो हिस्सों में विवादित करने का आरोप लगाया जा रहा है सर लड़ाई क्यों हो रही है क्योंकि जो भाई साहब मिनिस्ट्री दी गई है जो मिनिस्ट्री दी गई है अलग अलग जब मंत्रियों जो नए मंत्रियों को विस्तार हुआ है उसी में सरकार पर यह दावा किया गया है कि आप क्या कर रहे हो आप यह कर रहे हो कि हमारे राज्य में हमारे क्षेत्र को दो भागों में बंटवारा कर रहे हो दो सर लिखना क्या है इसमें एक मिनट सबसे पहले आपको लिखना है यह नाम किस समुदाय से लिया गया था तो कॉन्गो वेलदार गॉर्डर से लिया गया था जो संगम साहित्य से संबंधित है अगला क्वेश्चन आपको लिखना है यहां पर

नॉट अ डिस्ट्रिक इन इट्स सेल्फ इन सच सिचुएशन द गवर्नमेंट इज एक्यूज ऑफ प्रमोटिंग रेस्टनाइज सॉरी लेकिन गवर्नमेंट एक्यूज ऑफ प्रमोटिंग ठीक है ओके हा सॉरी आपका रिलेश नेशन इन तमिलनाडु एंड डिवाइडिंग द स्टेट इंटू टू पार्ट मतलब दो पार्टों में क्या हो रहा है जो रिलीजन होते हैं रिलीजन्स यहाँ पे हो रहा है क्या हो रहा है पूरा जो रिलीजन यहाँ पे होते हैं रिलीजन्स कह सकते हो जो इनको दो भागों में बंटवारा कर रहा है तो दो भागों में जो बंटवारा करने की प्रतिक्रिया चल रही है अलग अलग क्षेत्रवादों की अगर हिंदी बात करते हैं तो विवाजित करने का क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के रिलीजन क्या कहोगे रिलीजन लिज्म कह है, इसको, तो इसको है जो शब्द अटपटा लिख लेना काफी महत्वपूर्ण हो सकता है संबंध में इतना आपको तमिलनाडु राज्य से याद करना है लेकिन तमिलनाडु राज्य में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी राज्य से तो आपको जनजाति के बारे में पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग तमिलनाडु की बेसिक जानकारी की नॉलेज प्राप्त करते हैं तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है तो भाई साहब सबसे पहले तमिलनाडु बना कब था छब्बीस जनवरी उन्नीस को तमिलनाडु खुद कब बना तो तमिलनाडु बना था छब्बीस जनवरी उन्नीस पचास को तमिलनाडु बन के तैयार हुआ तमिलनाडु की सर जी राजधानी का नाम क्या है तो तमिलनाडु की राजधानी का नाम है चेन्नई नाम क्या है चेन्नई की राजधानी का नाम हो जाता है अगला क्वेश्चन तमिलनाडु में टोटल जिलों की संख्या कितनी है सर तो टोटल यहाँ पे तैतीस जिले आपके तमिलनाडु में बन चुके हैं तमिलनाडु का तैतीसवा जिला जो बना था उसका नाम क्या है मलाई दुथुराई नाम लिख लेना मलाई दुथुराई तमिलनाडु का कौन सा मलाई दुथुराई और तमिलनाडु का मलाई दुथुराई किस राज्य से अलग होकर बना था तो लिख लेना मेरे भाई नागपट्टनम नाग जिले से अलग होकर जो नया जिला बना था वो बना था आपका मलाई दुथुराई अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ के राज्यसभा विधानसभा लोकसभा की सीटें कितनी है दो सौ चौतीस अठारह और उनतालीस दो सौ चौतीस दो सौ चौतीस दो सौ चौतीस अठारह और यहां पर उनतालीस दो सौ चौंतीस विधानसभा की यहाँ पे अठारह और विधानसभा की टोटल दो सौ चौतीस सीटें यहां पर हैं. अगला क्वेश्चन यहाँ के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन कौन से हैं? तो याद रखना मेरे भाई गवर्नर पुराने हैं नाम है बनवारी लाल पुरोहित क्या नाम है बनवारी लाल पुरोहित इनका नाम है अगला क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा यहां के नए चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है तो एम के स्टालिन जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम क्या है तो नए चीफ मिनिस्टर का नाम है एम के स्टालिन अगला क्वेश्चन पूछेगा रॉक हनी जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा था रॉक बीहनी कौन सा रॉक बी हनी इसको दर्जा दिया गया राष्ट्रीय का राष्ट्रीय का जो तो दर्जा दिया गया है किस मले किस जनजाति का है तो याद रखना मलयाली जनजाति का और मलयाली जो जनजाति है तो वो किस राज्य से बिलोंग करती है तो मलयाली जनजाति आपके तमिलनाडु से बिलोंग करती है कहां से तमिलनाडु से बिलोंग करती है और इसी के तहत आपको और भी जनजाति याद रखनी है जैसे कौन कौन सी होगी कोटा हो गई पनियान हो गई टोडा हो गई कौन कौन सी सबसे पहले आपकी पनियान टोडा पनियान हो गई और आपकी टोडा हो गई अगला क्वेश्चन एक और लिख लो यहां से यहां के हाई कोर्ट जस्टिस का नाम क्या है जो अभी हाल में नए बने हैं 2021 में नाम क्या है तो लिखना सनीब बनर्जी नाम क्या है इनका सनीब बनर्जी सनीब बनर्जी इनका नाम है आपने एक चीज मिस की होगी कि जब भी ये, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तब हम आपके सामने तमिलनाडु का पूरा पोस्टमार्टम करवाया करते थे लेकिन अब क्या कर दिया पोस्टमार्टम कराना बंद कर दिया राज टू राज क्वेश्चन हम आपको नोट करवाते हैं जो रियलिटी में होता है सबके साथ डिस्ट्रिक्ट टोटल तैतीस अड़तीस है भाई ठीक है अड़तीस डिस्ट्रिक्ट है सॉरी तो असम में हुआ है ये ठीक है तैतीस असम में हुए ठीक है तो याद रखना तो आपको क्या याद रखना है इतना फैक्टर आपको याद रखना है क्योंकि तीन राज्यों में टोटल अड़तीस आपके कहां पे हैं आपके तमिलनाडु में इसी प्रकार से जो आपका असम था असम के अंदर कितने हो गए हैं टोटल यहां पे तैतीस हो गए हैं असम में एक नया जिला बना है और एक जिला यहां पे आपका कर्नाटक का बना है तो तीन जिलों में तीन राज्यों में तीन नए नए जिले यहां पे बना दिए गए हैं तीनों राज्य आपको याद कर रहे हैं तो और पंजाब में एक नया जिला बना है पंजाब में मालेर कोटला एक नया जिला बना है संगरूर से अलग होके, तो इतनी बात आपको याद रखनी है और जो राज्य का पोस्टमार्टम होता है तो प्रत्येक दिन जिस राज्य का पोस्टमार्टम होता है उसी राज का धीरे धीरे करंट अफेयर का भी पोस्टमार्टम होना चालू हो जाएगा और करंट अफेयर का कोई एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर एक दिन में एक चला करेगी ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो पिंकू जी हम में प्राइवेट जॉब करता हूं प्राइवेट जॉब करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन अपने

जो होते हैं ना एकदम मेरी क्लास में इसको दिक्कत होती है चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है आ, ये तो हो चुका क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा कह रहा है कि हाल में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी को वर्ष 2025 तक जैविक केंद्र जैविक प्रदेश या फिर जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है टारगेट दे दिया है कि 2025 तक इसको प्रॉपर तरीके से जैविक प्रदेश या फिर जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए क्योंकि प्रदेश भी कह सकते है और राज्य क्योंकि दोनों चीजें हैं एक राज भी है, तो बना, राजा तक। तक तो अभी हाल में लद्दाख को लद्दाख तो भाई साहब सबका आ रहा है तो लद्दाख आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो पढ़ा भी होगा तो मिस किया सबसे पहले क्वेश्चन

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला तो कौन सा होगा ऐसा ऐसी कौन सी भारत की यूनियन टेरिटरी है जिसको पहली बार क्या दिया गया सर्टिफिकेट दिया गया जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपकी जो भी दिक्कत हो आप ऑफलाइन कमेंट में कर सकते हो हम आपकी डेली कमेंट पढ़ते हैं हर व्यक्ति की डेली कमेंट पढ़ते हैं लेकिन आप कॉपी पेस्ट मत किया करो सॉरी फॉर दिस मेरे भाई ठीक है ठीक है मेरे भाई जो भी दिक्कत हो हर छोटी छोटी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे हर व्यक्ति की लेकिन थोड़ा टाइम दो हमें थोड़ा सा क्योंकि यार अकेले इंसान जानते हो लेकिन हम हर क्वेश्चन आपको नोट करवाएंगे मेरी गारंटी है लेकिन एग्जाम से पहले सब क्वेश्चंस कवर आपके पास होंगे और आपको आते भी होंगे इस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करो तो क्वेश्चन कुल मिला के क्या होगा आपका लद्दाख एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक अकेले हैं कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन याद रखना से कम एक हजार के बराबर है एक हजार के बराबर है इतना हमें खुद के ऊपर वो है ठीक है तो याद रखना लद्दाख एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सर इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा मेरे भाई बस इतना याद रखना आप जिस घर में रहते हो हो हर हर क्वेश्चंस अपने अपने घर से हर अपने से क्वेश्चन गांव गलीचे उठाया करो ऑटोमेटिक सब कुछ याद हो जाएगा जब भी कोई यूनियन टेरिटरी या कोई राज्य खुद को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिलवाना चाहता है तो वो किसी भी प्रकार का या आपने देखा होगा अपने घर वाले जो मम्मी पापा पापा जो होते हैं लोगों के वो क्या करते हैं खेतों में फसल में जब की कीड़ा लग जाता है खेतों में जब कीड़ा लग जाता है तो वो लोग क्या करते हैं अपनी पीठ पर टंकी टंकी कि पीली लाल हरी पीली होती हैं टंकी टांग लेते हैं अब तो वो इलेक्ट्रॉनिक आने लगी पहले हत्ता वाली आती थी है ना हत्ता लगा के वो लोग ऐसे दबा के कर छड़काव करते हैं तो वो होता है केमिकल और केमिकल किससे बना होता है अपने केमिस्ट्री से केमिस्ट्री का मतलब रसायन से रसायन तो याद रखना जब भी जब भी सुनील साइनी जी चौतीस अब हो गए पहले तैतीस थे तो याद रखना जो जब भी किसी भी खेती जो भी आपकी खेती होती है जो भी खेती होती है तो खेती में बिना रसायन की उपाय उपजाई गई ठीक है जो भी आपका प्रॉपर तरीके से खाद्यान्न होता है मान लो टमाटर हो गए टमाटर में लग गया कीड़ा तो टमाटरों के कीड़ों को जैविक पदार्थ से ही खत्म किया जाए ना कि रसायन से खत्म किया जाए तो जिस खेती में रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता वो खेती ऑर्गेनिक खेती बन जाती है, जो जो रियलिटी में में खाने है, जो हम लोग खाना खाते हैं, गांव भी इतना प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें भी प्रदान की जाते है, तो याद रखना क्वेश्चन का आंसर लद्दाख एकदम करेक्ट आंसर हो गया लेकिन करंट अफेयर कौन कौन सी याद करनी इसमें करंट अफेयर यह याद रखनी है कि लद्दाख ने इसके तहत सिक्किम के साथ समझौता किया है तो क्या सिक्किम कैन तो क्या सिक्किम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इसको प्रमाणन मिल चुका है सबसे पहले लद्दाख प्रशासन ने केन शासित प्रदेश को 2025 तक जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी के साथ समझौता किया है किसके साथ समझौता किया है तो याद रखना सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी के साथ समझौता किया यह आपको महत्वपूर्ण समझौता याद रखना है ठीक है सर जी लद्दाख को 2025 तक जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा टोटल कितने चरण होंगे तीन चरणों में किया जाएगा जिस हिसाब से इमेज देख रहे हो पूरा बैकग्राउंड देख रहे हो, इसी हिसाब से ऑर्गेनिक होता है हरा-बरा, लेकिन बिना किसी रसायन का अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है याद रखो यही नोट करने नोट करने के लिए भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है लक्षद्वीप बना है 2020-21 याद रखना मेरे भाइयों 2020-2021 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसको नोट कर लिया जाए अगला क्वेश्चन है तथा पहला जैविक राज्य सिक्किम बना है और सिक्किम किस वर्ष बना था तो मेरे भाइयों 2016 में सिक्किम भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या केंद्रशासित राज्य या केंद्रशासित या राज्यों में प्रथम बना था लेकिन अब जब केंद्र बन गया लक्षद्वीप तो यह भारत का पहला राज्य दो जो हजार जो जो सोलह में बना था और भारत का पहली, पहली यूनियन टेरेटरी व दूसरा प्रदेश बना है आपका लक्षद्वीप दोनों क्वेश्चन कवर हो गए लेकिन ये दोनों इंडिया फर्स्ट हैं इंडिया फर्स्ट है अगला क्वेश्चन भारत में किवी के लिए किसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है भारत में किवी के लिए किसको, तो किसको तो बातें बातें लद्दाख से पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि लद्दाख को कब तक जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया तो आपको याद रखना है 2035 का सिर्फ लक्ष्य रखा गया है लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तीन के तीन पॉइंट जो हमने आपको लिख के भी बता दिए और भी बता दिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है इसी में पूछ लेगा कि भी कहां का राष्ट्रीय फल है या फूल है या वर्ड है तो ये एक चिड़िया भी एक फल भी है तो नेशनल वर्ड हो जाती है न्यूजीलैंड की और नेशनल फ्रूट हो जाता है वो भी न्यूजीलैंड का क्लियर हो गया कोई दिक्कत और अरुणाचल प्रदेश इसको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे उगाता है बिना किसी रसायन का प्रयोग करके इसीलिए इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है आपके अरुणाचल प्रदेश को कोई दिक्कत और जिसको दिक्कत हो इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में लिख सकता है

ऑफ इंडिया इन आपकी लक्षद्वीप एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन सिक्किम दोनों कंप्लीट हो गए एंड फर्स्ट स्टेप स्टेट जिसने क्या किया हो? किवी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तो अरुणाचल देश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और कुछ आपको नोट ही नहीं करना एक लाइन में क्वेश्चन खत्म लेकिन जब तक बताएंगे नहीं तब तक आपको प्रॉपर तरीके से याद होगा नहीं सबसे पहले लद्दाख कल भी बताया था आज भी बता रही है इकतीस अक्टूबर दो फटाफट लिख लो इकतीस अक्टूबर दो अगर बात करते हैं यहाँ के या आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो नाम क्या है आपके राधा कृष्ण माथुर नाम क्या है राधा कृष्ण माथुर राधा कृष्ण माथुर इनका नाम है अगला क्वेश्चन यहाँ के चीफ हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का नाम क्या है तो नाम इनका था हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का नाम है पंकज मित्तल याद रखना मेरे भाइयों पंकज मित्तल कौन सा पंकज मित्तल भारत की सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजिकल पार्क का शुभारंभ कहां किया गया तो याद रखना इंडिया फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल तो दो आपके टोटल 3500 मीटर ऊंचाई समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचाई पर भारत का पहला मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया ठीक है मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया था तो याद रखना यहीं पे किया गया था सबसे ऊंचा जो पैंतीस मीटर ऊंचा आपका इसकी स्थापना की गई है लद्दाख के पोस्टमार्टम बहुत से क्वेश्चन हैं लेकिन वो राज्य वाइज स्टार्ट करेंगे इसी सेशन में कल या परसों से जब से जब स्टार्ट हो जाए इसी प्रकार से अगर लद्दाख की बात करते हैं लद्दाख से अगर कोई और क्वेश्चन बनता है भारत का सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जानते हो नेशनल पार्क यहीं पर है कौन सा है नेशनल नेशनल पार्क अगला क्वेश्चन यहीं से याद रखना अगला याद रखना भारत का ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा सोलर पार्क भारत का सबसे ऊंचा सोलर पार्क कहां पर है तो भारत का सबसे ऊंचा सोलर पार्क है पर है जो एक गीगावाइट का है एक सॉरी मेगावाट एक एक मेगावाट का है मेगावाट का और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया था तो याद रखना इंडियन आर्मी के द्वारा सॉरी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था अगला क्वेश्चन यहां से लिखना जस्कर विंटर गेम्स का शुभारंभ कहां किया गया था तो जस्कर विंटर गेम्स जस्कर विंटर गेम्स का शुभारंभ कहां किया गया था तो जो गेम्स का शुभारंभ आपके यही लद्दाख में किया गया था इसको भी आपको नोट करके लिखना है तो ये थे काफी क्वेश्चन जो वन लाइनर तौर पे बता दिए लेकिन जो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम आपको नोट करके बता देंगे आगे पोस्टमार्टम में ठीक है पोस्टमार्टम क्योंकि आज एक और राज्य गिरने वाला है लेकिन स्टेटिक से ना कि आपके ठीक है ना कि आपके आपके करंट अफेयर्स से लेकिन करंट अफेयर से एक एक करके राज का पोस्टमार्टन विचार देंगे जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था ठीक है मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि रोज एक राज्य पूरा कवर करने के लिए मिल जाता है क्वेश्चन नंबर तीन हाल में किस राज्य ने दुनिया का पहला किस देश किस देश ने दुनिया का पहला सयुगमित कोविड नाइनटीन वैक्सीन शोभराना टू को विकसित किया है एक बार इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है ठीक है अब गुजरात में बनेगा सबसे बड़ा एनटीपीसी बनाएगा कच्छ में बिल्कुल सबसे बड़ा जो सोर ऊर्जा पार्क बनेगा तो क्वेश्चन आपका है दुनिया का पहला संयुगमित कोविड नाइन्टीन वैक्सीन सोबराना टू विकसित किसके द्वारा की गई है क्यूबा के द्वारा रूस के द्वारा गाना के द्वारा और केन्या के द्वारा और आज एक मैप का पोस्टमार्टम भी आपके लिए करेंगे तो विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डेवलप्डेड कोविड वैक्सीन सबसे पहले यहां पे शब्द लिखा है क्योंकि भाई साहब यही ऐसा वर्ड है जो दिक्कत कर रहा है बाकी सारी हमको जानकारी पता है सर का मतलब क्या होता है देखो हमारी बॉडी मान लो हम लोगों को कोई बीमारी होती है तो जो दवाएं होती है वो एंटीबॉडी का

एंटीबॉडी है वो शरीर में जाके आने वाले वायरस को लड़, आ, मतलब उससे लड़ती है उसको गिरा देती है अगर वो उससे कमजोर है तो खुद टूट जाती है समझ गए इसी प्रकार से क्यूबा ने इसी प्रकार से क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश बना है का मतलब होता है किसी भी वायरस का एक अंग उठाकर किसी भी वायरस का एक अंग किसी भी वायरस का एक छड़ उठाकर उसको क्या कर दिया है उसको लेकर एक टीका का विकास किया जिसको हम लोग संयुमित टीका कहते हैं विकास जो किया गया है कोविड नाइनटीन टीके का जिसका नाम है शोबराना टू क्योंकि शोबराना वैक्सीन यहां पे लग रही है इन जो बनी है परंतु शोबराना टू जो वैक्सीन बनी है वो दुनिया की पहली सगमित वैक्सीन बनी है इसीलिए ये चर्चा में है तो कोई एक कड़ उठाकर कोई एक कड़ उठाकर किसी भी उसका वायरस का उसको किसी भी वैक्सीन का रूप देना और उसका यूज करना ही आपका संयमित प्रतिक्रिया होगी तो सित कोविड नाइन्टीन वैक्सीन जो बनाई गई है वो सोबराना बनाई गई है और किसके द्वारा बनाई गई है तो क्यूबा के द्वारा इसको विकसित किया गया क्यूबा मैप में आपका सामने है है जो सी के पास है और इधर आपका अटलांटिक ओशन के पास में यहीं से करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहीं पे जमैका और हैती भी इसके पास देश है ये मैप में डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए तो सबसे पहले याद रखना क्यूबा डेवलप्स फर्स्ट कंजुकेटेड कोविड नाइन वैक्सीन शो बनाना

पढ़ाया जा सके और आप उसको पढ़ सको ठीक है और उस इमेज की प्रतिक्रिया को हम पूरा प्रॉपर तरीके से आपके लिए यहां पे स्टार्ट भी करेंगे ठीक है तो याद रखना क्यूबा डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन क्लियर अगला क्वेश्चन सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है एक ही एक ही पे नोट करना क्योंकि एक ही लाइन का क्वेश्चन था दुनिया की पहली वैक्सीन सोबराना टू ठीक है सर जी क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुक्त कोविड नाइनटीन वैक्सीन सोबराना टू को विकसित किया ठीक है यह रोग सूचक कोविड नाइन्टीन मामलों के खिलाफ ९१% परसेंट प्रभावी है यह महत्वपूर्ण पॉइंट था आपका यह लिख लो आप लोग कि ये जो वैक्सीन है कितने है? कितने प्रतिशत प्रभावी तो याद रखना ९१% परसेंट अगेंस्ट काम करती है किसी भी वायरस के कोविड नाइन्टीन के वायरस के इसे फिनले इंस्टीट्यूट सेंट और सेंटर फॉर याद रखना इसे फिनले इंस्टीट्यूट द्वारा सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर आपका इम्यूनोलॉजी एंड नेशनल बायोस्पियर बायस आपका बायसपियर प्रिपरेशन जो सेंटर्स होते हैं

किया गया था लेकिन बाद जब मुद्दे की आती है तब मुद्दा बड़ा अच्छा होता है नोट करने वाला तो इन तीन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बनते हैं जो वैक्सीन के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले दुनिया की पहली पशु टीका पशु कोविड नाइन्टीन वैक्सीन का नाम क्या है और किस देश के द्वारा इसको बनाया गया है कोवैक्स में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा बना है कोवैक्स द्वारा वैक्सीन प्राप्त करता प्रथम देश कौन सा बना है ये क्वेश्चंस आपको नोट करने वाले हैं सबसे पहले याद रखना कोविड नाइन्टीन वैक्सीन का नाम क्या था तो याद रखना रसिया के द्वारा इसको बनाया गया है नाम है कॉर्नीवैक कॉव कॉर्नी वैकॉव इसका नाम है जो दुनिया की पहली रसिया के द्वारा बनाई गई पशु टीका वैक्सीन है अगला क्वेश्चन कोविड नाइनटीन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो याद रखना अपना पंजाब पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य है जो वैक्सीनेशन के लिए किस जुड़ गया है आपके कोवैक्स में जुड़ गया है अगला क्वेश्चन है कोवैक्स द्वारा वैक्सीन प्राप्त करने वाला प्रथम प्रथम देश कौन सा है तो घाना

सिया के द्वारा बनाया गया कोवैक्स से अलग क्वेश्चन था कोवैक्स में शामिल होने वाला पहला राज्य पंजाब और पहला देश जिसने कोविड कोविड वैक्सीन प्राप्त की हो तो आपका घाना बना है कौन सा बना है घाना देश बना है क्लियर चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पे सबसे पहले क्यूबा अगर वर्ल्ड में देखना चाहो तो क्यूबा आपके पास में है और क्यूबा मैप में कहा है तो आपके साथ में अब क्यूबा के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई लिखना चालू कर दो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए है कहा क्यूबा की सर राजधानी क्या है तो यहां की राजधानी का नाम है हवाना नाम लिख लो यहाँ की राजधानी जिसको हम लोग इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं नाम क्या है यहां की हवाना ये लिखा भी है हवाना यहाँ की कैपिटल है अगला क्वेश्चन यहाँ के प्रधानमंत्री का सर नाम क्या है तो प्रधानमंत्री का नाम ऐसा है कि हम दुआ करते हैं कि हमें भी इस भाषा को यूज करना आ जाए और भी ठीक है ये तो नॉर्मल से है इनका नाम है आपका मैन्यूल एम क्रूज सी आर यू याद रखना प्रधानमंत्री का नाम है मैनुएल एम क्रूज अगला क्वेश्चन यहां की सर करंसी का नाम क्या है यहां की करेंसी का नाम है पीसो क्या नाम है यहां की करेंसी का नाम पीसो करेंसी हो जाती है अगला क्वेश्चन याद रखना में भारत के नए राजदूत जो 14 जून 2021 को नियुक्त किए गए हैं 14 जून 2021 अभी कौन सा महीना चल रहा है जून चल रहा है और 15 जून चल आज 15 जुलाई चल रही है और आज के जस्ट एक महीने पहले 14 जून को क्यूबा में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं तो नाम क्या है तो मेरे भाई राजदूत जिसको हम लोग एम्बेसडर कहते हैं तो राजदूत का नाम अगर है तो है क्या तो लिखना डॉक्टर एस डॉक्टर एस।, एस क्या था जानकी किरण डॉक्टर एस डॉक्टर एस जानकी किरण डॉक्टर एस जानकी किरण का नाम है जो क्यूबा में भारत के जो क्यूबा में डॉक्टर एस जानकी किरण था डॉक्टर एस जानकी जानकी रमन था जानकी रमन होगा मेरे भाई यहां पे इसको एरर सही कर लेना जानकी रमन इसका नाम है डॉक्टर एस जानकी रमन डॉक्टर एस जानकी रमन क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन यहां पे बात करते हैं क्योंकि राजदूत अभी नियुक्त किए गए हैं तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे अगला क्वेश्चन याद रखना रबियन सागर का क्योंकि यही यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है सागर आप देखा होगा सबसे छोटे में कौन सा है तो आप लोग नोट करते हो सबसे छोटा महासागर कौन सा है सभी लोग जानते हो तो इसी के साथ में उस महासागर अटलांटिक अंटार्कटिका तो उस महासागर से छह गुना छोटा महासागर जो है वो आपका कैरबियन सी है कौन सा है कैरेबियन सी है कैरेबियन सी का सबसे निचले बिंदु का नाम क्या है तो याद रखना कैमेन ट्रफ इसके सबसे निचले, न, सबसे निचले बिंदु का नाम क्या है ये यूपीएससी वाले जितने होते हैं ना ये सारे इन्हीं से क्वेश्चन निकलते हैं कैमेन ट्रफ सबसे निचले बिंदु का नाम क्या है कैरेबियन सी के तो नाम याद रखना ट्रफ इसका नाम है अगला क्वेश्चन मेरे भाई याद रखना आपने दुनिया का सबसे बड़ा रीफ कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया में है कहां पर है दुनिया का जो आ, दीप सबसे बड़ा है ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता होगा ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ जो आपका है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है जो भित्तियों के द्वारा बना है ये कहां पर है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में किस सागर में है एक बार कमेंट करके बताओ ये किस सागर में है ग्रेट बैरियर रीफ और दुनिया का सबसे इसके ये तो बड़ा हो गया नंबर दो पे आता है आपके कैरिबियन सी का कैरबियन सी का आता है तो यह बताना है कि जो आपका रीफ है उसका नाम क्या है तो मेरे भाई नाम कुछ नहीं है बस इतना याद रखना है जो कैरबियन सी है यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैरियर रीफ है जो दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है कोरल सागर बिल्कुल ये कहां पर है यह आपके कोरल सागर में है कहां पर है मेरे भाई तो लिख लेना कोरल सागर कहां पर कोरल सागर में ये स्थित है ग्रेट बैरियर रिफ ऑस्ट्रेलिया अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है इसी से एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता था कि कैरिबियन सी के पास जो द्वीप है लगभग सात हजार से ज्यादा द्वीप है लगभग सात हजार से ज्यादा दीप है तो कैरिबियन सी का सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है तो सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा

किलाउड जोसेफ इनका नाम लिख लो जैसे थे वैसा नाम है किलाउड जोसेफ और यही अंतरिम लिखना एक्टिंग कारवाहक यही प्रधानमंत्री हैं और है। यही है यहाँ के राष्ट्रपति हैं यही प्रधानमंत्री हैं और यही आपके राष्ट्रपति हैं और इसी के साथ यहाँ की करेंसी भी याद रखना है थी कि नाम क्या है गोरेड जैसा आपका जोसेफ है ऐसा गोरेड यहां की करेंसी है जी यू आर एडी -E -E, गोरेड यहां की आपकी करनी है जो महत्वपूर्ण है तो ये बातें आपको, आप तो बाते आपको नोट करनी है जो आपकी क्यूबा के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बन सकती थी क्लियर हो गया मैप कवर जो महत्वपूर्ण हो सकता था ये हो गया आपका आप कवर और भी मैप है सब कवर करेंगे हर छोटी से छोटी बातों को क्वेश्चन नंबर हाल में में निवेश के लिए इज़राइल दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी का देश कौन सा बना है खाड़ी के देश कौन से होते हैं जो निचले देश होते हैं कौन से निचले देश होते हैं तो याद रखिएगा पहला खाड़ी का देश ऐसा कौन सा बन गया है जो इज़रा जो इजराइल में जिसने दूतावास खोला है क्या ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में ला सकते हैं एक बार कमेंट करके पहले बताओ कि ये क्वेश्चंस क्या करंट अफेयर्स के लायक ला सकते हैं या फिर आप में से जो मेरे साथ रेगुलर जुड़ा हो उसको पता होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं मेरी भावनाएं आपसे कहना क्या चाहती हैं जो रेगुलर होगा उसको हंड्रेड परसेंट पता होगा मुद्दे की बात कहने वाली ये है कि मेरे भाई और बहनों आज के एक से डेढ़ महीने पहले सर सिक्स मंथ का रिविजन करवा दो हे भगवान धर्मेश जी ट्रस्ट है तो थोड़ा रुक जाओ यार कहे के लिए परेशान हो आराम से करवा देंगे और क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे क्योंकि मंथली वाइज आपने देखा होगा दो हजार क्वेश्चन एक हजार हम आपको सिर्फ सौ देंगे और उस पर हंड्रेड परसेंट का पीछे टैग लगा होगा कि इन सौ से अगर कोई क्वेश्चन इस महीने से बाहर आ जाए ये मेरी गारंटी खुश सामने खड़े चैलेंज देने फिर की दिक्कत है इस बात को रिकॉर्ड कर लिया करो आगे चल के कोई क्वेश्चन ना फंसा तो दिखाओगे किसे दिखाओगे तो हम कोई चलिए चलते हैं आज के एक महीने पहले यहाँ पे हमको पता चला था इजराइल इन लोगों के बीच में जो समझौते हुए उसको क्या नाम दिया गया था अब्राहम अकॉर्ड करवाया किसने था आपके डोनाल्ड ट्रंप ने जो समझौता करवाया था अब्राहम अकॉर्ड नाम लिख लो यार मेरे भाई अब्राहम अब्राहम जो अकॉर्ड है इसको किस देश ने करवाया था तो अमेरिका के द्वारा करवाया था अमेरिका के द्वारा करवाया था बाद में ये समझौता इजराइल के साथ में किसका हुआ था आपके आ, फ, आ, सूडान का हुआ था दक्षिणी सूडान का तो ये याद रखना है अब्राहम अकॉर्ड आपके अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करवाया गया था जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को 2021 में नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए इनका नाम सगेस्ट किया गया है क्या किया गया है सगेस्ट किया गया ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई इसमें जलवे हैं क्वेश्चन में तो याद रखना इजराइल में जो दूतावास खोलने का पहला खाड़ी का देश बना है वो बना है आपका यू और अभी नहीं एक से डेढ़ महीने पहले यहां के राजदूत राजदूत जैसे ही घुसे मन में वैसे ही या जब भी दूतावास की बात आ जाए वैसे ही दिमाग में घुस जाना चाहिए कि भाई साहब यही इंपॉर्टेंट है जितने भी देश इस क्वेश्चन से आने वाले हैं उन सभी के साथ साथ अपने भारत के राजदूत भी आपको पता होने चाहिए नहीं तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा यही से क्वेश्चन निकलते हैं सब बताएंगे नोट करके कौन कौन से कहां बने हैं तो क्वेश्चन कौन कौन से नहीं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही बताएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर यू होगा यू के राजदूत ने इजराइल में अपना पहला दूतावास आज के एक महीने पहले खोल दिया था लेकिन अब इसका शुभारंभ कर दिया वहां तो बन गया था मेरे भाई, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो नए नए प्रधानमंत्री बने हैं नाम क्या है क्योंकि हम आपको तो यू के बारे में बताएंगे मोशाद के जो नए डेविड बारियर क्या बने थे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेट

कि एक दूसरे के घर में सेंध लगाई जाती है इस घर में कोई ऐसा बंदा है जो अपनी बातें उस घर में पहुंचाता है और बाद में वही बातें इससे बोल के उनमें होती है लड़ाई की, की बात तुम्हें पता चली तो चली कैसे यही तो होता है ना तो इसी प्रकार से किसी अन्य देश में अपना जब राजदूत नियुक्त कर देते हैं तो आगे चल के अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम आपका साथ दे सकते हैं साथ दे सकते हैं इसीलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण बनता है कि आपके देश में अगर मेरा राजदूत होगा तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आप, महत्वपूर्ण समझौते भी हो सकते हैं, विगत में हैं से ए, उनके साथ समझौता किया समझ रहे हो ना तो यही महत्वपूर्ण होता है तो देखो ये तो आपका फैक्ट समझ में आ गया कि किस लिए हर चीज के लिए समझौता किया है हर चीज फायदेमंद होती है जब किसी देश का अपने देश में क्या बन जाता है अपने देश में राजदूत बन जाता है क्लियर अगला क्वेश्चन यूएई ई में दूतावास वाला पहला खाड़ी का देश बन गया ठीक है बहुत अच्छी बात है द एंबेज ऑफ यूएई एक्सप्रेस होप द ट्रेड and investment opportunities ठीक है सर जी इट वाज इनग्रेटेड लास्ट मंथ बाय इजराइल एम्बेसडर टू द यूनाइटेड अरब अमीरात कहना चाह रहा है कि आज के यूएई यूएई के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने अपनी आशा व्यक्त की है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब बहुत सा फायदा में हो सकता है इसी के साथ में जो इजराइल में एम्बेसडर थे उन्होंने आज के एक महीने पहले लास्ट मंथ लिखा है एक महीने पहले इसका शुभारंभ पहले कर चुके हैं ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं लिखने वाली कोई बात आती नहीं है लेकिन हिंदी में जिसको समझना आया वो लिख सकता है जो हमने बताया समझ ना आया तो हिंदी में देख लो फिर भी समझ ना आया तो इंग्लिश देख लो फिर भी समझ ना आया हो तो चिल्लू पर पानी में डूब मरो है ना? कि लेकिन डूबना नहीं है क्योंकि जब तक बार बताना तो कर दिया। कोई मतलब नहीं था। अरब अमीरात में इसराइल के राजदूत ने पिछले महीने इसका उद्घाटन किया जा चुका है कब एक महीने पहले ही लेकिन सर मुद्दे की बात क्या है इसमें से भी करंट अफेयर निकलेगी कौन कौन सी सबसे पहले देखो क्वेश्चन निकले हैं टोटल आपके चार एक दो तीन चार और वो क्वेश्चन हैं जो एक फंसेगा कैसे देखो यूए के वर्तमान तथा पहले इजराइल में राजदूत का नाम क्या है पहला क्वेश्चन में यूएई के जो इजराइल में राजदूत बने हैं तो उनका नाम क्या है और पहले वही वर्तमान होंगे वही पहले होंगे भाई सीधी सी बात है है अभी बना है, तो वही तो तो पहले होंगे बताइए यूएई के वर्तमान तथा पहले इजराइल में राजदूत का नाम क्या है भारत के संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत का नाम क्या है और भारत के इजराइल में राजदूत का नाम क्या है इजराइल की तेल अवीब सड़क का नाम क्या कर दिया गया है ये वो चार क्वेश्चंस हैं जो महत्वपूर्ण बनते हैं इजराइल और यूएई के पोस्टमार्टम तो नहीं है बट ये चार क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये क्वेश्चन हम पहले लाते तो यूएई पूरा खत्म कर देते हर छोटा से छोटा क्वेश्चन लेकिन अब सबको खत्म करते हैं और एक राज्य एक देश को इकट्ठा सबसे लास्ट में खत्म करते हैं याद आया चलते हैं सबसे पहले अभी राज्य या किसी देश का पोस्टमार्टम हो नहीं रहा है होगा थोड़े दिनों में कब दो या तीन दिनों में या मंडे से स्टार्ट कर देंगे मंडे से एक ऐसी सीरीज लाएंगे जो कम से कम छह महीने तक चले ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो ठीक है अच्छे तरीके से तो यूएई के वर्तमान तथा किसी का आंसर आ नहीं रहा है आएगा कैसे आएगा कैसे यही तो महत्वपूर्ण यही तो चीज हम लोग छोड़ते थे इसकी कर देते हैं लिख लो मोहम्मद अल खाजा कहा गया खाजा हाँ यही रहा मोहम्मद अल खाजा नाम लिख लो मेरे भाइयों मोहम्मद अल खाजा मोहम्मद अल खाजा इनका नाम है जो पहले तथा अभी जो राजदूत हैं, वो है इजराइल के इजराइल में यूएई के भारत के संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत का नाम क्या है तो लिख लो पवन कुमार काफी बार बताया होगा भूल गए होगे कोई बात नहीं लिख लो दोबारा या जिसको पता हो रिवाइज कर ले पवन कुमार अगला क्वेश्चन भारत के इजराइल में राजदूत का नाम क्या है तो मेरे भाई इनका नाम लिख लो संजीव कुमार संगाला नाम क्या है भाई का संजीव कुमार संगाला या संगला कुछ भी लिख सकते हो संगला। अगला क्वेश्चन इज़राइल की तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया तो लिखना सात मई को मनाया जाता है टैगोर का जन्मदिन। तो सात मई 2020 को, सात मई 2020 को हमने आपसे कहा था ये करंट अफेयर के क्वेश्चन छह महीने आपको आने ही चाहिए जिस दिन आपका नोटिफिकेशन एग्जाम का आया उस दिन से छह महीने की करंट अफेयर पिछली आपको आनी चाहिए और उसी दिन से एक साल की करंट अफेयर आपको वो आनी चाहिए जो वन लाइनर तौर पे क्वेश्चन तो था लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये क्वेश्चन वो था जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था एक साल याद रखना एक साल से ज्यादा हो चुकी है सात मई का क्वेश्चन है एक सौ दिवस जन्मदिवस मनाया गया था बर्थ एनिवर्सरी और इस दिन इस तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर कर दिया गया था या टैगोर सड़क से हम लोग जानते हैं ठीक है सर आपका पीडीएफ मिलता है क्या डेली मिलता है थोड़ा वेट करो सबसे लास्ट में बताएंगे कहा क्यों कैसे मिलता है तो कुल मिलाकर मई का का आंसर याद रखना है तेल सड़क का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर कर दिया गया मई सौ जन्मदिन बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर तो ये चार क्वेश्चन आपको लिखने हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन सकते थे अगला क्वेश्चन पोस्टमार्टम का है? आजा, 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 आपका यूएई सबसे पहले यूएई की करेंसी का नाम क्या है दिरहम. नाम लिखना दिरहम यहां की आपकी करेंसी का नाम हो गया अगला क्वेश्चन है आपके यूएई से यहाँ की राजधानी का नाम क्या है तो आबू धाबी नाम क्या है आपकी आबू आपकी धाबी जो आपके बचे हुए आईपीएल है वो होंगे यूएई में कराए जाएंगे अगला यहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो नाम लिखना शेख जायेद नाम क्या था सॉरी खलीफा बिन जायेद खलीफा बिन जायद अल नहयान। ये यहाँ के आपके प्रधानमंत्री का नाम था अगला क्वेश्चन अब हम आपसे कहेंगे यूएई के पहले राष्ट्रपति का नाम यूएई के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो ये कभी नहीं पूछा जाएगा अब देखो कैसे सबसे पहले उल्टा क्वेश्चन याद किया करो सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई नाम क्या था शेख जायद नाम क्या था इनका जायद याद रखना शेख जायद अल नेहान इनका नाम था शेख जायद शेख जायद याद रखो शेख जायद अल नेहान इनका नाम था और इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार बनाया गया जो बुक क्षेत्र में दिया जाता है तो नाम क्या है अवार्ड का शेख जायद बुक अवार्ड मेरा आपसे क्वेश्चन है जायद बुक अवार्ड को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है शेख जायद बुक अवार्ड 2021 को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है या 21 कह लो या पहला पुरस्कार जो मिला है वो किसे मिला है तो उनका नाम क्या एक बार कमेंट करके बता दो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा शेख जैद बुक अवार्ड को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है तो नाम लिखना तायरा कुतुबुद्दीन नाम क्या है ताहिरा लेडी है ताहिरा कुतुबुद्दीन ताहिरा नाम है इसको नोट तायरा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा थोड़ा जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन नंबर पांचवा है हाल में भारत और किस पड़ोसी देश को पहली बार रेल मार्ग से कपास की गांठें भेजी गई हैं अभी हाल में किस पड़ोसी देश को अपने भारत ने पहली बार ट्रेन के मार्ग से किसके मार्ग से ट्रेन के माध्यम से क्या भेजिए कपास की गांठें भेजिए किस रेलवे स्टेशन से और किस राज्य से भेजी गई है यह भी महत्वपूर्ण है तो याद रखना बांग्ला थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन करो बांग्लादेश एकदम क्योंकि पोस्टमार्टम भी बाकी है पोस्टमार्टम एक बांग्लादेश एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में अभी हाल में अपने भारत के द्वारा पहली बार आपके रेल माध्यम के द्वारा कपास की गांठें कपास मतलब कॉटन कपास की गांठों को भेजा गया है गांठों वैसा मत करना मतलब किसी प्रकार का गठर टाइप के भेजे गए हैं आपके रेल के माध्यम से और किसको बांग्लादेश में इनको भेजा गया है अब कहोगे सर किस रास्ते से भेजा गया है? तो सबसे पहले कंडीशन देख लो गांठें कैसे भेजी गई हैं? आपके सामने है अगला ट्रेन के माध्यम से अब ये याद कर लो कभी नहीं बोलोगे ट्रेन के माध्यम से कपास पहुंचा बांग्लादेश भारत भारत को भारत से अड़सठ टन कपास के गांठों के साथ एक मालगाड़ी बांग्लादेश के बेना पोल पहुंची बिना पोल क्या है ये एक रेलवे स्टेशन है लेकिन किससे पहुंची याद रखना मालगाड़ी 20 बोगियां है और 27 जून को कब निकली थी 27 जून को 27 जून को अंबाला छावनी कहा हरियाणा में है तो याद रखना हरियाणा से गई है तो हरियाणा की छावनी छावनी अंबाला स्टेशन से यही पहला क्वार्टर बना था किसका यही पहली बार राफेल उतरे थे जब फ्रांस से आए थे तो सत्ताईस जून को अंबाला छावनी स्टेशन से झंडी दिखाने के बाद रवाना किया गया था कहां पर रवाना किया गया था और याद रखना अंबाला कैंट याद रखना अंबाला कैंट वो कैंट है जहां पर हम पहली बार एयरफोर्स के लिए ग्रीन कार्ड लेके आए थे ये वही अंबाला है ठीक है ये वही अंबाला है जहां से हम 2019 में इंडियन एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स का ग्रीन कार्ड लेके आए थे ग्रीन कार्ड तब मिलता है जब मेडिकल तक बंदा सिलेक्ट हो जाता है याद है ना ग्रीन कार्ड और अगर ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है तो आपको रेड कार्ड दे दिया जाता है जब फेल होते हो तो कुछ नहीं मिलता लेकिन अगर आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो तो आपको रेड कार्ड मिलता है और मेडिकल में ज्वाइन रियलिटी में मेडिकल आपका अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपको कौन सा मिलता है तो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है तो फर्स्ट टाइम हम ग्रीन कार्ड यहीं से लेके आए थे और दूसरा ग्रीन कार्ड हमने लिया था भोपाला श्यामला हिल्स से दूसरा ग्रीन कार्ड बहुत

इंग्लिश में लिखा है भाई साहब कुछ याद करने वाला नहीं है पॉइंट टू पॉइंट लिखना है बस इतना याद रखना है कि भाई साहब हरियाणा के अंबाला से पहुंचा था और कुछ ना लिखना क्लियर हो गया चलते हैं नेक्स्ट पे अपने बांग्लादेश की ओर अपना बांग्लादेश आपके सामने है बांग्लादेश के बारे में एक लाइन के करंट अफेयर के क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले ढाका टका सभी को पता होंगे कौन से ढाका और टका ढाका और टका टका यहाँ की क्या है आपकी करंसी हो जाती है और टका यहाँ की ढांका यहाँ की हो जाती है आपकी कैपिटल क्या हो जाती है कैपिटल यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है अब्दुल हामिद नाम क्या है अब्दुल हामिद शेख हसीना यहाँ की आपकी शेख हसीना यहाँ की क्या हो जाती है आपकी प्राइम मिनिस्टर हो जाती है अगला क्वेश्चन यहां से होगा यहां पर राजदूत भारतीय कौन है बिक्रम दुरई स्वामी विक्रम दुरई स्वामी इनका नाम हो जाता है अगला क्वेश्चन कितने टोटल राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं तो लिख लो एक ट्रिक इसकी है टाइम ए एम एंड पी एम एक ट्रिक लिख लो मेरे भाइयों, टाइम ए एम टाइम एक मिनट रुकना, ट्रिक अच्छी तरीके से समझा दे रहे ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो एक मिनट का टाइम दो बस चलिए ट्रिक का नाम ट्रिक का नाम अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना टाइम ए एम एंड पी एम क्या लिखोगे टाइम ए एम एंड ए एम एंड पी एम इस टाइम का मतलब क्या होता है तो टाइम का मतलब लिखना यहां पे टी आई लिखा है तो सीधा सीधा हो गया त्रिपुरा जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है अगर हम लोग ए की यहां पर बात करते हैं, तो ए का मतलब क्या होता है ए का मतलब है यहां पर असम एम की बात करते हो तो एम का मतलब क्या है एम का मतलब है यहां पर मिजोरम पी की बात करते हैं, तो भाई साहब पी का मतलब क्या हो सकता है आपके बांग्लादेश से याद रख सकते हो पी का मतलब क्या होगा तो मेरे भाई याद रखना पी का मतलब होगा पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल को हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं पश्चिम बंगाल एम की बात करते हैं तो इस एम का मतलब क्या है तो वैसा मेघालय जो सबसे ऊपर लगा है मेघालय टोटल यहां पर बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है चार हजार छियानवे किलोमीटर चार हजार छियानवे कितनी करता है होगा, किलोमीटर सीमा को साझा अपना भारत करता है अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा और सबसे कम सीमा करने वाले राज्यों के नाम क्या है तो मेरे भाइयों बहनों सारे के सारे याद रखना सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है त्रिपुरा आठ किलोमीटर त्रिपुरा आठ छप्पन किलोमीटर अगर पूछ ले सबसे कम तो याद रखना असम सीमा साझा करता है और कितने किलोमीटर दो तो सौ किलोमीटर कितने दो किलोमीटर सबसे कम सीमा साझा करता है और सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है 850 किलोमीटर आपका त्रिपुरा यह भी बात है आपको नोट करके लिखनी है जो बांग्लादेश की है किसकी है बांग्लादेश की है. एक बार सारे के सारे स्क्रीन ले लो अपने

आज ज्यादा के अनुसार है तो सबसे ज्यादा 4, 65 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है बांग्लादेश और सबसे कम सीज़ा सामान सीज़ा साम जो सीमा साझा करने वाला देश बनता है अफगानिस्तान बनता है 106 किलोमीटर कितनी 106 किलोमीटर पाकिस्तान की बात करते हैं तो 3, 33 किलोमीटर आपके चाइना की बात करते हैं दो जगह सौ इक्यावन किलोमीटर भूटान करता है छह सौ निन्यानवे किलोमीटर जो दूसरे नंबर पर आता है अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश को पता हो गया म्यांमार करता है सोलह सो किलोमीटर कितना सोलह सो किलोमीटर क्लियर कोई दिक्कत सर जूम कीजिए या जूम करवाओगे तो आधी चीजें ऊपर चली जाएंगी तो इससे अच्छा है ले लो अगर कोई दिक्कत है तो यह मैप हम आपकी पीडीएफ में अपलोड करके दे देंगे खुश पीडीएफ में अपलोड करके दे देंगे जूम की दिक्कत जिसको दिक्कत है हम पीडीएफ में अपलोड करके दे देंगे ठुक? ठीक है चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन ने छठवा थोड़ा जल्दी करो यार आ, किस देश ने कर्नाटक में निवास मूर्ति को पहला मानद नियुक्त किया है और ये कौन से नंबर के अपने भारत में बने है, और टोटल महावाल कितने बनता है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये किस देश के हैं यह है बियतनाम के हैं देश कौन सा वियतनाम है? के हैं और इन्होंने कर्नाटक में महाबालीजी दूत के तौर पर एस ने एस श्रीनिवास को नियुक्त किया सर इनका काम क्या होता है जिस प्रकार से हम लोग देशों में समन बनाने के लिए राजदूत नियुक्त किया करते हैं उसी प्रकार से हम लोग राज्यों में देश राज्यों से डायरेक्ट संपर्क बनाने के लिए क्या करते हैं महावाणिज्य नियुक्त करता है उसी प्रकार से इनको नियुक्त किया गया नाम है एन एस श्रीनिवास क्या नाम है एन एस एन एस श्री कल्पना जी बिल्कुल हर एग्जाम की ऑल एग्जाम्स ठीक है तो याद रखना कर्नाटक में एन निवास को मूर्ति को इनको पहला मानदिज्य मा, दूत नियुक्त किया है वियतनाम नाम के द्वारा संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले देख सकते हो लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो 9 जुलाई से संबंधित है कब से नौ जुलाई संबंधित है इसको आप लोग नोट करना जो छूट गया था कोई बात नहीं हमने पहले ही कहा था

पॉइंट दूसरा भारत से वियतनाम के पहले महामानत पहले मानद जी दूत हैं और दुनिया भर के मैं दुनिया में उन्नीसवे याद रखना हमने कहा था ना दुनिया भर में कितने हैं हैं तो उन्नीसवे है। हो चुके हैं और लेकिन इनको जोड़कर और लेकिन भारत में ये प्रथम जी दूत इनको नियुक्त किया गया है भारत में वियतनामी राजदूत का नाम क्या है पहले यही क्वेश्चन बनता है उसके बाद बाकी चीजें लिखना भारत में वियतनाम के राजदूत का नाम है फाम सान चाऊ नाम क्या है फाम सान चाऊ तो इन्होंने तीन साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया है एक लाइन में सारी चीजें आपकी हो गई है सबसे पहले राजदूत का नाम क्या है फाम सान चाहू लेकिन आपसे मेरा क्वेश्चन है ये जो व्यक्ति हैं फान सान चाहू ये वियतनाम के भारत में है तो भारत के जो वियतनाम में है उनका नाम क्या है एक बार सर मुझसे नाराज हो एन एस कॉलेज काहे के लिए नाराज होंगे यार तुम्हारी में नाचेंगे जम के नाचेंगे काहे के लिए नाराज होंगे ठीक है तो इतना आपको याद रखना है इंग्लिश की बातें सारी लिखी हुई है इनको आप लोग देख सकते हो लिख भी सकते हो नेक्स्ट सबसे पहले वियतनाम थोड़ा स्पीड से करो को वियतनाम की बात करते हैं तो राजधानी का नाम क्या है हनोई वियतनाम की राजधानी जो मेरे भैया है तो राजधानी का जो नाम है वो क्या है हनोई प्रधानमंत्री का नाम क्या है फाम सिंह नाम क्या है फार्म मिन, सिन राजधानी का नाम क्या है हनोई करंसी का नाम क्या है डोंग नाम है करंसी का जो नाम है वो यहाँ की बांग्लादेश में उत्पादन किया है, है फिलीपींस के द्वारा किसके द्वारा फिलीपींस के द्वारा ठीक है अगला सर शादी ना करनी पहले जॉब करनी है जॉब करनी है हम आपको पढ़ा रहे हैं तो गुस्सा कोई टीचर अपने स्टूडेंट से कैसे हो सकता है यार दुनिया का सबसे अच्छा संबंध होता है समझ रहे ना टीचर्स और स्टूडेंट्स में क्वेश्चन नंबर सात दो इंडेक्स हैं हाल में आई ए द्वारा जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स क्यू थ्री मतलब तीसरी छमाई आ गई है तो क्यू थ्री में चार होती हैं टोटल तो क्यू थ्री में भारत किस स्थान पर पहुंचा है क्यू थ्री ट्वेंटी की बट ट्वेंटी की है गुरुदेव स्क्रीन शॉट नहीं लेने दिया पीछे का स्क्रीन शॉट किस चीज का लेना है मेरे भाई कुछ तो था ही नहीं वहां पे ठीक है तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स क्यू थ्री में भारत किस स्थान पर पहुंचा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज द पासपोर्ट इंडेक्स चौरासी वे पचासी वे अट्ठानवे नंबर पे या नब्बे नंबर पे क्यों क्यू थ्री नाम लिखना क्यू थ्री में अपना जो भारत है वो नब्बे नंबर में पहुंचा है क्यू वन की बात की जाए क्यू वन की बात की जाए तो भारत 85वें नंबर पे था अगर Q2 की बात की जाए तो भारत चौरासीवे नंबर पे था लेकिन स्कोर की बात की जाए टोटल अट्ठावन मतलब अट्ठावन देशों की यात्रा कर सकता है और भारत कौन से नंबर पे आया है नब्बेवे नंबर पे आया है ये दोनों Q2 और Q3 दोनों का आंकड़ा अट्ठावन पे था अट्ठावन में स्कोर पिछली बार भी किया था आपकी बार भी किया है लेकिन अब की बार नब्बे पहुंच गया है पहले ये चौरासी अगला क्वेश्चन पासपोर्ट में होता क्या गुरु जी तो सबसे पहले याद रखना हैल पासपोर्ट जारी क्यों कैसे क्या एक बार देख लो ताकि दिक्कत ना हो हैलले पासपोर्ट इंडेक्स देशों की एक वैश्विक रैंकिंग है ओके यह साइट दुनिया के एक पासपोर्टों मतलब एक सौ निन्यानवे देश हो गए एक सौ निन्यानवे पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करती है ठीक है एक विशिष्ट पासपोर्ट जितने देशों तक पहुंच जाता है वह उसका वीजा मुक्त स्कोर बन जाता है यह मतलब पासपोर्ट जितने देशों तक पहुंच जाता है यह इसका मुक्त स्कोर बन जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आई ए का फुल है अभी बताया बताया नहीं था लिख दिया है कि सहयोग से आकड़ों का विश्लेषण किया जाता है इसके सहयोग से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है ठीक हाँ, तो है, है, है तो नंबर एक पे अपना जापान आया है और जापान सर कितने देशों की यात्रा अब कर सकता है जापान कितने देशों की यात्रा अब कर सकता है तो मेरे भाई एक सौ तिरानवे देशों की कितनी एक सौ तिरानवे देशों की इसी प्रकार से नंबर दो पे जो देश आया है वो कौन सा है आपका सिंगापुर पहली भी था अब भी है बस आपने भारत का स्कोर यहाँ पर पीछे हो गया है नंबर तीन पे आपका कोरिया कौन सा है नंबर तीन पे इस पे कोरिया आया हुआ है ये हो गया आपका पॉइंट अगला क्वेश्चन इसी में याद करना है जो आई टी ए है इसके बारे में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्या कि अबे यार इन्हें पता नहीं कौन सी खुजली है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फॉर्मेशन कब हुआ था 19 अप्रैल 1975 को इन हवाना क्यूबा में अभी क्यूबा खत्म किया तो लिख लो क्यूबा में ही आई ए टी ए इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 अप्रैल 1945 को मेंबरशिप 290 एयरलाइंस की मेंबरशिप है और 120 कंट्रीज कितनी 120 कंट्रीज की डायरेक्टर जनरल विलियम ब्लाहा इनका नाम है हेडक्वार्टर कहां पे एट डबल जीरो मॉन्ट्रेलर क्यूब मॉन्ट्रेलर क्यूब ये है आपके कनाडा में तो कनाडा में इसका हेडक्वार्टर स्थित इस है ये नया फॉर्मेशन है इसको लिख लो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बनेगा आप पहली बार आपने पढ़ा होगा आई इसको लिख लो महत्वपूर्ण है अगला क्वेश्चन सबसे लंबी बाउंड्री वेस्ट बंगाल विथ बांग्लादेश वट ऐसे कैसे हो सकता है मैं भाई चलिए इसके बाद जापान हो गया ठीक है ग्लोबल बिजनेस कॉम्प्लेक्स एक बार याद रखना पूरा का पूरा त्रिपुरा घुसा तो हुआ है यह तो वन लाइनर तौर तो पे निपटा दो ग्लोबल बिजनेस कंप्लेक्सिटी इंडेक्स जी बी सी आई में भारत बीसवें स्थान पर आया है इसमें भारत की रैंकिंग बीसवें स्थान पर है वन लाइनर है यह क्वेश्चन इंडिया

तीसरा मैक्सिको है चौथा कैलिफोर्निया कोलंबिया है पांचवा टर्की है लेकिन अंतिम कौन सा था सत्तरवा देश डेनमार्क पहला देश यहां पे ब्राजील बनाया सबसे अच्छे में सबसे अच्छे में डेनमार्क है जो कंपनबिलिटी इसका मतलब क्या होता है जो देशों में आपके क्या होता है प्रॉपर तरीके से आदान प्रदान होता है टेक्नोलॉ टेक्नोलॉजी पर उसके ऊपर ये इंडेक्स जारी की गई है बिजनेस के तौर पर ठीक है सबसेबिलिटी में सबसे बेस्ट जो आया है वो डेनमार्क आया है सत्तरवे नंबर पर जस्ट अपोजिट ये स्कीम है आपके क्वेश्चन नंबर आठ हाल में किसे बैंड बैंड बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया यह कोई बैड बैंक वैसी नहीं है बट प्रॉपर तरीके से उन निम्न ग्राहकों का काम करते हैं जिनका दिवालिया हो जाता है कोई फॉर्मेशन नहीं है बस इसको एसोसिएट कर दिया गया था तो हु द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ बैड बैंक रिसेंटली तो क्वेश्चन का आंसर होगा पद्म कुमार एम नायर नाम क्या है पद्म कुमार एन नायर इसके नए सीईओ बन गए हैं विद्या बालन इनका अपॉइंटमेंट हुआ है याद रखना ये भी हाल ही हाल में आर्मी रेंज फायरिंग का नाम किया गया है आर्मी रेंज की जो फायरिंग होती है वहां पर एक फायरिंग का नाम क्या कर दिया गया बालन कर दिया गया अगला क्वेश्चन प्रकाश सर क्या बने हैं तो रिसेंटली मैं हाल में विनय प्रकाश को क्या नियुक्त किया गया मेरे भाइयों तो याद रखना ट्यूटर के ग्रेवनेंस ऑफिसर अपने इंडिया में किसके ट्यूटर के ट्यूटर के, ट्यूटर के ग्रेविनेंस ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है तो विनय प्रकाश को श्याम श्री निवासन को क्या नियुक्त किया गया तो फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी कौन से बैंक के फेडरल बैंक फेडरल बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया श्याम श्रीनिवासन को विनय प्रकाश भारत में ग्रेविनास ऑफिसर बने है, ट्यूटर के विद्या बालन आर्मी रेंज फायरिंग का एक नाम किया गया है विद्या वालन के ऊपर लेकिन 10 महत्वपूर्ण बैंकों के बारे में लिख लो 10 महत्वपूर्ण बैंकों का पोस्टमार्टम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश इससे पहले कौन से रजनीश जी अब हो गए हैं दिनेश खरा इनके सबके नाम लिख लो फटाफट दिनेश कुमार खरा अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसको हम लोग बीओबी के नाम से जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा नाम है हसमुख आंधिया ठीक है चेयरमैन ये क्या है चेयरमैन अगला क्वेश्चन बैंक आ, बैंक ऑफ इंडिया अगर आपसे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछे तो अतानु कुमार दास अतनु कहते हैं इनको ये क्या बने हैं ये इसके सीईओ एंड एमडी बने हैं अगला क्वेश्चन अगला है सेंट, आ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग सीबीआई कह सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मातम बैंकट राव राव ये ये क्या बने है? ये बने हैं हैं सीईओ एंड एमडी मतलब चीफ डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बैंक भारत की पहली बैंक बनी है जिसने केवाईसी को प्रोरूप किया था आईडीबीआई बैंक बैंक रखना राकेश शर्मा सीईओ एंड एमडी ये सारी न्यू अपॉइंटमेंट है महत्वपूर्ण बड़े बड़े बैंकों की राकेश शर्मा बने हैं इसके सीईओ एमडी के रूप में टॉप टेन बैंकिंग अपॉइंटमेंट लिख लो टॉप टॉप टेन बैंकिंग अपॉइंटमेंट इनको लिख लो ठीक है अगला क्वेश्चन पांच और अगले हैं आपके सामने इंडिया बैंक एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है आईबीए लिखना राय जी राजकिरण राय ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी हैं सीईओ किसके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक्सिस बैंक अभी बदले हैं एक्सिस बैंक नाम है अमिताभ चौधरी सीईओ और एमडी अमिताभ चौधरी क्या बने हैं सीईओ अगला एच नाम पता होगा शशिधर जगदीशन सिदर जगदीशन का नाम है ठीक है और इससे पहले जो थे वो थे आदित्यपुरी और आदित्यपुरी अब बन गए हैं कार्ले ग्रुप के सीईओ अगला क्वेश्चन आईसीआईसीआई बैंक बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है संदीप बक्सी सीईओ संदीप बक्सी क्या बने हैं इसके नए सीईओ बन चुके हैं अगला है यस बैंक तो लिख लो प्रशांत कुमार अंतिम है ये प्रशांत कुमार सीईओ बने हैं सारे के सारे चढ़ा लिए सर पीईटी के लिए भी ये क्लास है हे भगवान स्पेशल पहले बता चुके थे पीईटी के लिए हर राज्य से संबंधित क्योंकि हर राज्य का पोस्टमार्टम लेके आते हैं हर राज्य के लिए पीईटी के लिए अवेलेबल है चाहे पीई हो क्योंकि देखो एग्जाम हर एग्जाम के लिए हंड्रेड परसेंट सीओटी के अकॉर्डिंग ये क्लास अवेलेबल है चाहे किसी भी एग्जाम की बात करते हो विथ मेरी गारंटी के चाहे किसी भी एग्जाम की बात करते हो बस वक्त है तो एग्जाम आने का चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नौ पे हाल में भारत के किस देश के साथ स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में अनुबंध करार हुआ इसके बाद एक और क्वेश्चन है पोस्टमार्टम बस खत्म हाल में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए विद विच कंट्री हैज इंडिया है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन डेनमार्क के साथ अमेरिका के साथ इजराइल के साथ या फिर आपके बांग्लादेश के साथ तो अभी हाल में यह समझौता सबसे बड़ा डेनमार्क के साथ हुआ है किसके साथ डेनमार्क के साथ, साथ यह समझौता हुआ है तो याद रखना भारत ने भी हाल में डेनमार्क के साथ स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र पर समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं किस किस क्षेत्र में क्या हुआ है एक बार देखना भारत की सरकार ने के स्वास्थ्य और पर्यार, पर्यार, परिवार कल्याण मंत्रालय और डेनमार्क के इसी मंत्रालय ने दोनों लोगों ने मिलकर समझौते ज्ञापन किए हैं संयुक्त तो पहल और विकास के के माध्यम से दोनों देशों बीच को तो प्रोत्साहित करना इनका मकसद होगा और कुछ नहीं है कोई बात लिखने की नहीं है जब भी एमओयू .E. होता है तो हमको पता होना चाहिए किस बात के लिए क्यों हुआ है तो भारत और डेनमार्क के बीच में समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं परिवार कल्याण मंत्रालय के मध्य किसके मध्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मध्य में समझौते किए गए थे डेनमार्क की बात करते हैं तो मेरे भाई डेनमार्क की अरे यार भाई साहब बहुत जल्दी है गुरु को हाँ मारकर भी चला गया कोई बात नहीं दूसरा नहीं लेंगे इसी से काम चलाएंगे आज आ, आ गया डेनमार्क डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क की जो राजधानी है राजधानी का नाम क्या है कॉपे नाम क्या है कॉपे हेगन यहां की राजधानी है अगला क्वेश्चन यहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है मेट्रे फ्रेडरिक्शन प्रधानमंत्री का नाम क्या है यहां तो लिख नहीं पाएगा मेट्रे फ्रेडरिक्शन अगला क्वेश्चन यहां पे होगा यहां की करेंसी का नाम क्या है नोर यहाँ के करंसी के नाम मेटर या के के नाम का नाम है यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है कोपेक में नाम है लेकिन अगर आपसे पूछ लेकिन कौन से है, में भारत के का नाम है। जिसके हैं, तो उनका नाम आज आपको बताना है काफी बार हम बता चुके हैं डेनमार्क के तो डेनमार्क का एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं एक क्वेश्चन बता दो बाल्टिक सागर यहीं पर है कौन सा बाल्टिक सागर याद रखना जो स्वीडन और जर्मनी को अलग करता है क्लियर ये भी संधि याद रखना कॉप आपके स्वीडन और जर्मनी की ठीक है जो कौन से अलग करता है बाल्टिक सागर इसको अलग करता है और यही कह सकते हो जो डेनमार्क को भी अलग करता है किससे जर्मनी से क्लियर हो गया इतना आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दसवा हाल में भारत का पहला टच स्क्रीन याद रखना मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाल में भारत का पहला टच स्क्रीन बैग सुविधा पर अनाज एटीएम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया इन विच स्टेट इंडिया टच स्क्रीन ग्रेन एटीएम ऑन फिल बैग फैसिलिटी वाज लॉज यह पांच मिनट के अंदर अंतर सत्तर किलोग्राम अनाज को सत्तर किलोग्राम अनाज को दे देता है एटीएम है टच स्क्रीन एंड फिल इन बैग तो पंजाब हरियाणा राजस्थान या उत्तर प्रदेश इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट टच स्क्रीन ग्रेन एटीएम ऑन फिल बैग फैसिलिटी बाज लॉन्च इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश ने बिहार में कौन सा एटीएम लॉन्च किया था हेल्थ एटीएम लखनऊ में स्थापित किया था ठीक है इसी प्रकार से विशाल मीना जमादार दी। तो जमींदार जी तो सभी लोग याद रखना हाल भारत का पहला टच स्क्रीन फिल बैग सुविधा पर आधारित अनाज एटीएम का शुभारंभ कहा गया यूपी अच्छा पंजाब ओके कोई बात नहीं क्वेश्चन का सा, आंसर सारे के सारे लिख लीजिए लिख लीजिए हरियाणा एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में अभी हाल में हरियाणा में अभी हाल में बात के पहले टच स्क्रीन फिल बैग सुविधा पर आधारित अनाज एटीएम का शुभारंभ किया गया किसका अनाज एटीएम का शुभारंभ किया गया आपके हरियाणा में सबसे पहले हाउ इट वर्क लिखा हुआ कुछ नहीं क्योंकि इमेज मिलेंगी तो क्यों लिखो फालतू में बेनिफिशरी राशन कार्ड की डिटेल जैसे आप इसमें फिल करोगे वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा एंड टच स्क्रीन अटैच्ड टू इट ठीक है ऑन ऑथेंटिकेशन द फूड ग्रैंड विल गेट फिल्ड इन बैक कैप्ड अंडर द मशीन बैसा पूरी डिटेल आपने डाली और यहां से काम चालू अगला गैन बिंग, वीट, राइस एंड आपके दालें वगैरह हो गई ठीक है और गेहूं वगैरह हो गई सारी की सारी चीजें गेहूं दाल चावल इससे प्रोवाइड कराई जाते हैं यह बात कहना सर इसमें तेल भी मिलता है क्या वो ना मिलेगा आग लग जाएगी वेयर इज द मशीन तो याद रखना मशीन को फारुख नगर में कौन सा नगर तो याद रखना फारुख नगर हरियाणा में है तो इस नगर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम का शुभारंभ किया गया ठीक है एटीएम का शुभारंभ किया गया सर आर्मी का क्लास सर आर्मी का क्लास है प्रीति कुमार जी हां डिफेंस वॉरियर ठीक है अभी तो खैर नहीं चल रही है चलेंगे तो बता देंगे पोस्टमार्टम आज कौन सा राज्य गिरेगा आज हरियाणा गिरेगा कौन सा हरियाणा हम कहते हैं एक राज्य का पोस्टमार्टम और विथ करंट अफेयर्स क्या होगा संडे मंडे से क्योंकि एक सीरीज बना देंगे ताकि वो सीरीज एक महीने तक कंटिन्यू चलती रहे तो पोस्टमार्टम आज हरियाणा का है जो स्टैटिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हरियाणा राज्य कौन सा हरियाणा राजधानी कौन सी चंडीगढ़ मुख्यमंत्री कौन से मनोहर एल खट्टर लाल खट्टर राज्यपाल का नाम भंडारू दत्तात्रेय बदले नहीं है फूल का नाम कमल वृक्ष का नाम पीपल पशु का नाम काला हिरण पक्षी का नाम काला फ्रैकोलिन हिंदी में इंग्लिश में भी मिल जाएगा परेशान मत होना जिले टोटल 22, विधानसभा की सीटें नब्बे राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 5। एरिया रैंग क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान हरियाणा का जो स्थान आता है वो इक्कीसवा आता है पॉपुलेशन के हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से भारत में हरियाणा की रैंक 18वें नंबर पे आती है शंकर झा लोक नत, में फोक, डांस, फोक डांस का नाम क्या है फाग है धमाल है, है लूर है और झुमरी है झील की बात करते हैं बड़खल ब्यूटी ब्रह्म कण सूरज कुंड और आपका सूरज सूरजकुंड काफी बार पूछी जा चुकी है ना अगला नदी यमुना गग्गर और साहिबी नदी ये तीनों महत्वपूर्ण नदियां कहां पर हैं आपके हरियाणा में बांध की बात करते हैं ओटू बैराज ताजेवाला हथनी कुंड और अनकपुर बांध ये चार के चारों बांध जो हैं वो कहां पर हैं ये आपके हरियाणा में है नेशनल पार्क की बात करते हैं कालेसर सुल्तानपुर ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहां पर स्थित है हरियाणा में स्थित है हरियाणा हरियाणा क्या सब कुछ इंग्लिश में लिखा है जो आपको लिखना है ठीक है कुछ हिंदी में नहीं क्योंकि देखो जो चीजें नॉर्मल है वो चीज नॉर्मल होगी हां इनको जरूर खुशी नाम से जानते हैं ये जरूर भाई साहब महत्वपूर्ण है डैम को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं बाकी सारी चीजें तो वही रहने वाली कुछ बदलने वाला तो है नहीं तो इनको आपको याद रखना जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो पांच देशों का बेसिक नॉलेज कौन-कौन सी कंट्री कैपिटल प्रेसिडेंट एंड कंट्री करेंसी सबसे पहले वियतनाम आज भी आया तो वियतनाम की राजधानी क्या है हनोई है पीएम का नाम क्या है पीएम सिन सांग है जानते हो करेंसी के नाम है डोंग डीओएनजी डीआर कांगो मतलब रिपब्लिक ऑफ जो कांगो है तो यहां की जो कैपिटल का नाम है किशाना फ्लेक्स दो आपके सिचुएशन केड़े यहां के मिनिस्टर है फ्रैंक यहां की करेंसी का नाम है टर्की की करेंसी का नाम अंकारा प्रीम का नाम क्या है के एड्रोगन अभी बने हाल में नए और लीरा यहां की करेंसी है ईरान की बात करते हैं तो तेहरान हसन रोहानी प्रेसिडेंट रियल यहां की करेंसी है जर्मनी की बात करते हैं बर्लिन यहां की कैपिटल है डब्ल्यू

जो रियल होगा रियल रियल नहीं जर्मनी की राजधानी बर्लिन एफ डब्ल्यू स्टीन मेयर के प्रेसिडेंट और यूरो की हो जाती है करेंसी तो ये थे आपके बेसिक क्वेश्चंस जो पांच देशों के संबंध में महत्वपूर्ण थे अगला टॉपिक होगा वन लाइनर करंट अफेयर्स लेकिन आज के दिन कोई करंट अफेयर ऐसी छोटी नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो और होगी तो कल कवर हो जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बस रेगुलर रहिए तो न्यूज आपकी वन लाइनर तौर पर आज कोई नहीं है इसको सेटअप एक समाप्त करते हैं आंसर की बात करते हैं तो हाल में अभी अहमद ने किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का कारोबार संभाला था तो इतनी अरे यार हमें लगता है क्वेश्चन चेंज नहीं हो पाए ना आज अपडेट नहीं हुआ इथोपिया इथोपिया कल बताया था हमने आपको हाल में किस खिलाड़ी के द्वारा सिर्फ सम्मान यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता गया तो क्रिस्टानो रोनाल्डो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप क्वेश्चन ऑफ द डे को आपका कोई नहीं है ठीक है बस इतना याद रखना क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका एकदम करेक्ट आंसर इस क्षेत्र में हो जाएगा क्लियर हो गया हां एक क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे अभी हाल में निम्न से में से किसे राज्यसभा में राज्यसभा का नेता बनाया गया है निम्न में से किसे मंत्रालय में राज्यसभा के नेता के शपथ अभी हाल में किसे दिलाएगी यह करंट अफेयर क्वेश्चन है कल यहां पे क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने होगा आंसर ऑफ द डे में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए होगा जो आप एज अवेलेबल नहीं हो पाया है सबसे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सबसे पहले सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो रही बात मेरी तो अगर आप सेशन को लाइक करना चाहो तो लाइक कर सकते हो सेशन को शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो ये आपकी इच्छा है, में कहते है तो अगर आपको अच्छा लगाओ बेस्ट लगाओ तो आप लोग सभी लोग मिलकर सेशन को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब भी कृपया कर, कर लीजिए अब अवन्यू बैच के बारे में पता है और अठारह तारीख को आपके एक मैराथन आ रही है पूरी पॉलिटी के साथ में आपके विवेक लेके आ रहे हैं और आपके नितिन सर लेके आ रहे हैं बेस्ट क्लास आपके होने वाले उस क्लास को देख लेना ताकि पूरी पॉलिटी एक क्लास में निपट जाए पूरी पॉलिटी एक क्लास क्लास में निपट जाए बेस्ट होगी आपके लिए जरा जरूरत से ज्यादा आप लोग उस क्लास में ऐड ताकि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सके सत्रह अठारह दो दिन बचे हैं आराम से आप क्वेश्चन को कवर कर सकती आज मेरा बर्थडे है विश कर दीजिए चुलबुल जी तो चुलबुल जी अब आपकी डीपी तो मेरे पास है नहीं जो हम स्ट्रिकर लगा लेते तो सभी लोगों एक बार चुलबुल जी को कहेंगे हैप्पी बर्थडे चलो जी हैप्पी बर्थडे ठीक है और आप ऐसे खुश रहिए पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए और मुस्कराते रहिए यही लाइफ नहीं लाइफ बहुत कुछ है बदलने को बहुत कुछ है बदल के तो देखो जिंदगी जी तो है एक बात बताएं किस्मत पर कभी मत रुकना अगर किस्मत की बात करते हो जो बात कहने जा रहे हैं थोड़ी ऑड है बट कहना जरूरी है पता है सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात हम कहते हैं आप लोग मानते हो तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर हमने कहा कि हैप्पी बर्थडे विश कीजिए आप सभी लोगों ने विश किया सलूट है आप लोगों की इस बात पे जो आप लोग इतनी सपोर्ट करते हो इतनी रिस्पेक्ट करते हो इतनी बात मानते हो सल्यूट है इसलिए आज का एक मोटिवेशन आपके लिए होगा मोटिवेशन की बात करते हैं तो किस्मत पर कभी मत रुकना क्योंकि किस्मत के अकॉर्डिंग कौन चलता है पता है कहने वाली बात तो नहीं है बट फिर भी कहेंगे कुत्ते को देखा है दरवाजे बैठा रहता है उसको पता रहता है लेटर रहता है उसको पता रहता है भाई साहब मिलेगा जरूर किस्मत और किस्मत के अकॉर्डिंग उसको मिलता भी है मिलता है ना लेकिन क्या आपको भी वही लाइफ चाहिए क्या आपको भी वही लाइफ चाहिए आप भी कहीं भी बैठ सकते हो कोई ना कोई कोई रसगुल्ला दे जाएगा कोई फटी हुई रोटी दे जाएगा कोई सड़ा हुआ ब्रेड दे जाएगा कोई सड़ा हुआ बर्गर दे जाएगा सड़े हुए टमाटर रख जाएगा क्या चाट चाट के काम चलाना है या बदलना है सब कुछ एक बार बदल के तो देखो दुनिया पड़ी है साथ देने के लिए जब भी एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो भले ही उसके सामने कोई उसका साथ ना देता हो लेकिन पूरी कायनात उसका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है बट एक बार कोशिश करके तो देखो चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए आप करके तो देखो चाहे कुछ भी हो जाए जो कह दिया और हां एक बात और अगर आज आपने निश्चित किया है कि हमें क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करना है फिर चाहे कुछ भी हो जाए जेब में पैसे हो ना हो सवेरा हो ना हो गर्मी है सर्दी आए ना आए रात है दिन हो या ना हो स्तन पे कपड़ा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता खाना खाया नहीं खाया कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए जब सिलेक्शन ले लेंगे तब ये सारी चीजें मिल जाएंगे जो हम लोग लाने वाले हैं अब बताओ पूजा यादव जी कह रहे हैं क्या होगा एक बात YouTube पे इतना कंटेंट होता है इतना कंटेंट होता है हम लोग यूपीएससी क्या प्रधानमंत्री की शपथ ले ले इतना कंटेंट होता है लेकिन पढ़ के तो देखो ढूंढने ढूंढो तो कभी आएंगे कभी मीटअप करने के लिए तब बताएंगे आपको एक 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 ऐसी ऐसा फैक्टर बताएंगे जिस क्योंकि काफी लोगों ने हमसे बात की है ठीक है ऐसा एक फैक्टर आपको बताएंगे जिस फैक्टर से आप अनलिमिटेड कंटेंट प्राप्त कर सकते हो और हंड्रेड परसेंट किसी भी एरिया में सिलेक्शन ले सकते हो लेकिन करना पड़ेगा है ना करना पड़ेगा हर

फिर से मॉर्निंग में पांच बजे नई मोटिवेशन नए क्वेश्चंस के साथ और एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं जो श्रृंखला आपके कम से कम छह महीने तक चलेगी रेगुलरिटी कोई बदलाव उसमें नहीं होंगे बेस्ट आपको भी लगेगी आप लोग परेशान मत होइएगा, और संडे को सुबह पांच बजे आपकी बार अपनी वीकली करंट अफेयर होगी सुबह पांच बजे कोई बदलाव नहीं है सुबह पांच बजे अपनी वीकली करंट अफेयर क्लास होगी संडे को तो अभी क्लास को यही समाप्त करते हैं मिलते हैं कल सुबह एस एस सी एग्जाम बाग्जामपुर पर तब तक के लिए आप सभी को तय दिल से जय हिंद जय जै भारत वंदे मातरम किसी के रह गए हो किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो कोई दिक्कत हो तो आप ऑफलाइन कमेंट कर देना ऑफलाइन कमेंट करोगे हम रियलिटी में आपके कमेंट पढ़ेंगे और कल उस बुक के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे अगर डिस्कस करने लायक होगी तो ठीक है कोई भी दिक्कत हो कुछ रह गया हो तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो ठीक है जय हिंद